कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे ही है। एक अच्छा न्यूज़ देना चाहती हूँ। एक्चुअली दिस वीडियो में ऐसा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लेके आई हूँ जहाँ पे तुम्हारा फ्रेश पास आउट 10th क्लास कैंडिडेट ए वाला वैकेंसीज, मतलब ए वाला जो अप्रेंटिस है उसको जाके फिल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस है तुम्हारा 10th है। ओके, मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस है 10th है। तो ये तुम्हारा टाटा मोटर के तरफ से वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं जहाँ पे है तुम्हारा ओनली फॉर द फ्रेश पास आउट एसएससी और क्लास 10th कैंडिडेट हु हैव इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड फॉर वोकेशनल स्किल। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा मतलब सर्च कर रहे थे, मतलब देखने के लिए कहाँ नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। तो ऐसा वाला एक अपॉर्चुनिटी मतलब दिखाई दिया है, इसीलिए मैं वीडियो बना दिया, ठीक है। क्योंकि ये जिन लोग 10th क्लास है पता नहीं चलता है क्या करूँ क्या नहीं, ठीक है। तो ऐसा एक कोर्स करने के बाद, मतलब ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ पे तुमको सीखने के बाद तुमको पहला बात है ये तुम्हारा जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो तुम्हारा 2 ईयर्स है। ओके, 2 ईयर्स तुम्हारा ड्यूरेशन कोर्स, मतलब 15 मंथ्स। ओके, 15 मंथ्स यहाँ पे तुम्हारा टोटल कोर्स होगा जहाँ पे तुम्हारा बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ओके, बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। और यहाँ पे बेनिफिट ऑफर जो है ये अच्छा बात है, यहाँ पे तुमको स्टाइफेंड मिलेगा। ये अच्छा बात है, यहाँ पे स्टाइफेंड मिलेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्टाइफेंड मिलेगा। ऐसा नहीं है तुम जाके सीखोगे ओनली फॉर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो नहीं है, स्टाइफेंड मिलेगा। और उसके साथ ये भी मैं बता दे रही हूँ, उसके साथ ये भी है तुम्हारा यहाँ पे तुमको फ्री कैंटीन फैसिलिटी भी मिलेगा। ओके, फ्री कैंटीन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला बात है तुम्हारा स्टाइफेंड मिलेगा, और उसके साथ तुम्हारा फ्री कैंटीन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगा, और उसके साथ तुम्हारा बहुत कुछ यहाँ पे तुमको सीखने मिलेगा। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते। ओके, ये जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो फुल टाइम अप्रेंटिसशिप जहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्रोग्राम कर रहा है यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस। तो यहाँ पे बोला है फुल टाइम ट्रेड अप्रेंटिसशिप इज ए स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे फ्रेशली पास आउट एसएससी और क्लास 10th कैंडिडेट, ओके, हु हैव इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड फॉर वोकेशनल स्किल। ओके, मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा भी करता है, ठीक है, आफ्टर टेंथ के बाद 12th में जो वोकेशनल कोर्स है वहाँ पे जाके करता है, ठीक है। मेरा लगता है ऐसा वाला अपॉर्चुनिटी है आफ्टर टेंथ के बाद ये ऐसा वाला एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पे तुमको ट्रेनिंग होगा, उसके साथ स्टाइफेंड देगा, और उसके साथ तुम्हारा फ्री कैंटीन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी देगा, ठीक है। तो जिन लोग अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर दो, ये मतलब वैकेंसीज निकल के आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो जो फुल टाइम अप्रेंटिसशिप है यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस फ्रेशर, यहाँ पे फ्रेशर इज एलिजिबल। ओके, फ्रेशर इज एलिजिबल। जिन लोग एक्सपीरियंस है वो तो नहीं कर सकते, वो तो कभी नहीं जाएगा, एक्सपीरियंस होल्डर क्यों ऐसा जाएगा, वो तो पहला बात है। जिन लोग फ्रेशर्स है यहाँ पे आएगा, और ये जो कोर्स है 2 ईयर्स है, यहाँ पे देख सकते हो 15 मंथ्स फॉर ओल्डर ट्रेड। ये जो तुमको सीखने मिलेगा ये तुम्हारा ओल्डर ट्रेड। ओके, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस मांगा है देख सकते हो, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड जो है फ्रेशली पास आउट करेंट ईयर। जिन लोग क्लियर किए एसएससी और क्लास 10 फाइनल एग्ज़ाम इन ए सिंगल अटेम्प्ट, मतलब तुम्हारा पहला अटेम्प्ट में ही तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 10th में तुम फेल हो गए तो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। ओके, पहला बात है फ्रेशली पास आउट करंट ईयर क्लियर्ड एसएससी और क्लास 10। ओके, और जहाँ पे तुम्हारा जो क्लास 10th में तुम्हारा मिनिमम 70% मार्क्स आना चाहिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 60% मार्क्स तुम्हारा होना चाहिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए। ओके,
तो और भी चीज़ यहाँ पे बोला है 70% मार्क इन मैथ एंड साइंस, इसका मतलब है मैथ उसके साथ टेंथ में जो है फिजिकल साइंस देन तुम्हारा केमिस्ट्री देन तुम्हारा मैथ, ठीक है। ये जो साइंस वाला टोटल जो सब्जेक्ट है उसमें तुम्हारा 70% मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स एक तुम्हारा फिजिकल साइंस, एक तुम्हारा लाइफ साइंस और एक तुम्हारा मैथ, ये तीनों मिला के तुम्हारा साइंस है। तो यहाँ पे तुम्हारा टोटल 70% मार्क्स होना चाहिए। जनरल मैथ नॉट एप्लीकेबल, ओके। एज क्राइटेरिया यहाँ पे बोला है, जैसा बोला है 14 ईयर्स एंड अबव ओनली। और यहाँ पे बेनिफिट में पहले बता चुकी हूँ, स्टाइफंड मिलेगा उसके साथ, फ्री कैंटीन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ओके, फ्री कैंटीन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिन लोग फ्रेशर से टेंथ करने के बाद समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इन लोग यहाँ पे जाके काम सीख सकते हो, ठीक है। और ये भी चीज़ है, यहाँ पे काम सीखने के बाद, ये तो इंटर्नशिप है 2 ईयर्स का है, बट एक काम सीख जाने के बाद तुमको उन लोग हायर भी करता है, ठीक है, उन लोग हायर भी करता है कंपनी की तरफ से। अच्छा परफॉर्म करोगी तो बाद में हायर भी कर सकते। तो इसके बाद ए वाला तो हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको कैसे फिल करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। पहला बात है यहाँ पे लोकेशन चूज़ कर सकते हो, और भी बात है यहाँ पे लोकेशंस भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोकेशंस है, जैसा मैं क्लिक करूँ देख सकते हो, यहाँ पे पुणे, जमशेदपुर, लखनऊ, देन तुम्हारा बहुत सारे लोकेशन है। अपने हिसाब से देख लेना कौन सा वाला लोकेशन तुम्हारा आसपास होगा, ठीक है। तो जाके यहाँ पे जैसे सपोज मैं जमशेदपुर में करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे जमशेदपुर है तो यहाँ पे जाके क्लिक कर देना, ओके। उसके बाद फुल नेम टाइप कर देना, उसके बाद तुम्हारा फादर्स नेम, ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम और गार्जियंस नेम, फादर्स नेम टाइप कर देना, ओके। डेट ऑफ, सबसे इजी वाला बताएंगे, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टेंथ के बाद ना बहुत सारे स्टूडेंट को टेंथ के बाद है ना उन लोग को उतना थोड़ी ना समझ में आएगा। तो फादर्स नेम टाइप कर देना, ओके। फुल नेम है, फुल नेम कर देना, फुल नेम मतलब तुम्हारा नाम जो है, तुम्हारा नाम यहाँ पे टाइप करके लिख देना। देन तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो फादर्स नेम, तुम्हारा पिताजी का नाम, देन तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कौन सा बर्थ में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ जो है वो, देन तुम्हारा परमानेंट एड्रेस, अभी तुम किधर हो उसका परमानेंट एड्रेस में तुम्हारा भील जो है, सारी डिटेल्स तुमको लेंगे, लोकेशंस कोड, हाउस कोड, देन तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, पिन, स्टेट, सारे डिटेल्स यहाँ पे भर देना। उसके बाद एक करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होगा, ठीक है, करेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होगा तो यहाँ पे सेम यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है परमानेंट एंड करेंट एड्रेस, तुम अभी जिधर हो और अभी जिधर, मतलब परमानेंट एंड करेंट, ठीक है, तुम्हारा घर जिधर है और अभी तुम जिधर हो, ये तुम्हारा सेम होगा तो यहाँ पे जो है क्लिक कर देना, ओके। यहाँ पे हो सेम होगा तो क्लिक कर देना। उसके बाद तुम्हारा जो देख लेना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है, स्टेट, जेंडर, मेल फीमेल कौन सा है, देन तुम्हारा कैटेगरी कौन सा कैटेगरी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कौन सा कैटेगरी, देन तुम्हारा मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, देन तुम्हारा ईमेल आईडी। टेंथ के पास बहुत सारे स्टूडेंट के पास मोबाइल भी नहीं रहता है, वो बात है, तो तब तुम क्या करोगी, तुम्हारा पेरेंट्स का नंबर यहाँ पे डाल देना, ठीक है, पेरेंट्स का नंबर डाल देना, ठीक है, पेरेंट्स का नंबर डाल देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पास मोबाइल भी नहीं रहता है, टेंथ स्टूडेंट है, बहुत सारे रहता है तो ठीक है, जिसके पास नहीं है तो क्या करेगा, तब पेरेंट्स का जो नंबर है यहाँ पे डाल देना। देन तुम्हारा ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी बना लेना, ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देना। उसके बाद गार्जियन का मोबाइल नंबर देना, देन तुम्हारा कौन सा ईयर में तुम पास आउट हो, मतलब उसका मंथ यहाँ पे ईयर, उसके बाद मंथ ईयर, देन तुम्हारा परसेंटेज कितना आया है, ठीक है, तुम्हारा टेंथ में, ठीक है, टेंथ में तुम्हारा कितना परसेंटेज मार्क्स आया है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। देन तुम्हारा मैथ्स में कितना परसेंट मार्क्स आया है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे साइंस वाला जो है, साइंस में तो दो है ना, एक तुम्हारा फिजिकल साइंस और एक तुम्हारा लाइफ साइंस, ठीक है, तो फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस दोनों मिला के कितना मार्क्स हुआ है वो वाला यहाँ पे डाल देना, क्योंकि मैथ्स में तो अलग करके मार्क्स मेंशन किए, तो मैथ्स वाला छोड़ दो। साइंस में तुम्हारा फिजिक्स और बायोलॉजी जो भी है वहाँ पे डाल देना, ठीक है।
तो ऐसा करके टोटल डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा जो रिज्यूम है, मतलब तुम्हारा जो सीवी है, उसको यहाँ पे चूज फाइल में जाके क्लिक करके अटैच करके, उसके बाद कैप्चा वाला जो है वहाँ पे टाइप करके आई एम कॉन्फर्म यहाँ पे जाके क्लिक करके सबमिट कर देना। ओके, और एक चीज़ बता दे रही हूँ मैं, यहाँ पे कौन सा ईयर पास आउट हो, मतलब तुम सपोज उसके रिसेंट पास आउट नहीं हो, ठीक है, उसके पहले तुम अटेंड किए हो। सपोज मैं 2017 का पास आउट हो, कोई 2018 का, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो 2017 2018। उसके बाद उन लोग रिजेक्ट करेगा कि नहीं करेगा बाद में देखना, बट जिन लोग इंटरेस्टेड है उन लोग सारे लोग यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। जिन लोग इंटरेस्टेड है ऐसा अप्रेंटिस प्रोग्राम में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा तो तुम्हारा मेल में आएगा तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो बट सारे डिटेल्स भर के सबमिट कर सकते हो। ठीक है, आज का वीडियो ऐसा ही था, ठीक है, आई हो वीडियो ज़बरदस्त लगा है, तो ज़बरदस्त लगा है तो प्यारा सा लाइक कर दो, और मेरे को मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन के लिए तुम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशंस को अपडेटेड पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।